चुनावी माहौल में लोकसभा सांसद पद के लिए खड़े हुए पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एवं विधायक सुरेंद्र पटवा और अन्य भाजपा कार्यकर्ताओं सहित ग्राम पंचायत चौरा कमरौरा तहसील सुल्तानपुर जिला रायसेन मध्य प्रदेश में 12.5 गांव की जनता को संबोधित किया। आदिवासी समाज जनजातियों की सभ्यता एवं संस्कृति की चर्चा करते हुए सभा को संबोधित किया। शिवराज सिंह चौहान मामा द्वारा मंच से भाषण में कहा कि अगर वह यहां से विजय होते हैं तो सारी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए सभी समस्याओं का निदान किया जाएगा। कार्यक्रम में भोजपुर विधानसभा और विदिशा लोकसभा के समस्त कार्यकर्ता उपस्थित रहे। आशीर्वाद चाहिए, बोलिए चलेगा। अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी आदिवासी समाज के कल्याण के लिए, देखो द्रौपदी मुर्मू जी आज भारत की राष्ट्रपति है और पहली बार एक द्रौपदी मुर्मू अपनी बहन भारत की राष्ट्रपति बनी है, भारत की राष्ट्रपति, ताकि इन सब कामों को हम आगे बढ़ा सकें। और कोई पार्टी कोई दम नहीं है, ये मैं ईमानदारी से कह रहा हूं। अपनी भलाई और विकास के काम अगर करना है मामा मोदी जी मिलके आपके साथ खड़े हैं। आइए आप भी भरपूर आशीर्वाद दीजिए, एक साथ हम सब मिलकर काम करें और इस क्षेत्र की तस्वीर भी बदले और यहाँ की जनता की तस्वीर भी बदले। इसके लिए आपका आशीर्वाद चाहिए, इसके लिए आपका प्यार चाहिए। सबका आशीर्वाद मिलेगा, सबका।